पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ को लेकर इन दिनों कुछ ज्यादा ही रूमर्स सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ रूमर्स अच्छे हैं तो कुछ हैरान परेशान करने वाले। दरअसल हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी कि अंकिता लोखंडे का पवित्र रिश्ता खतरे में है, क्योंकि उनके और उनके पति विकी जैन के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। कहा तो ये भी जा रहा था कि इन दोनों के बीच तलाक लेने तक की नौबत आ गई है। हालांकि बाद में एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की खबरें उड़ने लगी। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब अंकिता लोखंडे के प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आई हो। जब से एक्ट्रेस की शादी हुई है तब से अब तक हर दूसरे दिन ये खबरें सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने रूमर्स के बीच कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। दरअसल पहली बार अंकिता ने अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है। ऐसे में लोग ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर सच क्या है। क्या सच में एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है या फिर इस बार भी महज अफवाह है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर अंकिता लोखंडे ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर क्या कहा है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अंकिता ने कहा, पहले सिर्फ शादी की खबरें हो रही थी, फिर प्रेगनेंसी की और फिर तलाक की, लेकिन इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। लोग कुछ तो बोलेंगे ही, उनका काम ही बोलने का है। लोग इस बारे में बात करेंगे, लेकिन जब तक वो अच्छी बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तभी मेरी जिंदगी पर थोड़ा बुरा असर डाल सकता है। एक्ट्रेस ने आगे कहा, अगर वो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक दिन जरूर प्रेग्नेंट होंगी और मैं लोगों को ये बात खुद बताऊंगी। खैर, अब एक्ट्रेस की इन बातों से ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल वो प्रेग्नेंट नहीं है और उनके फैंस को इस गुड न्यूज के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वेल, हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।